पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा के साथ घटी बड़ी दुर्घटना। रिपोर्टिंग के लिए जाते वक्त प्रज्ञा की गाड़ी का हुआ हाईवे पर एक्सीडेंट। प्रज्ञा मिश्रा वो नाम जिससे सच्ची पत्रकारिता के चहेते अनजान नहीं होंगे। सत्ता से बेखौफ और बेबाकी से सवाल पूछने वाली पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा को लेकर एक चिंताजनक खबर आज ये आई कि लखनऊ से बुंदेलखंड रिपोर्टिंग के लिए जाते वक्त झांसी लखनऊ हाईवे पर प्रज्ञा की गाड़ी को पीछे से एक बंपर ने टक्कर मार दी। जैसा कि गाड़ी की तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयावह रही होगी, लेकिन राहत की खबर ये है कि प्रज्ञा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस खबर के फैलने के तुरंत बाद ही पत्रकार प्रज्ञा ने एक वीडियो साझा कर पूरी बात बताई और कहा कि मेरे इस दुर्घटना से कुशल बच निकलने के पीछे केवल एक ताकत थी और वो उनके चाहने वालों का प्यार ही है जिसने उन पर आई इस संकट को काटा। दरअसल प्रज्ञा को लेकर ये चिंता सिर्फ और सिर्फ उनके काम की वजह से है। जिस निर्भीकता के साथ वो सत्ता से सवाल करती हैं, नेताओं से ऊपर लोगों को तरजीह देती हैं और हर बात में अपनी एक बेबाक राय रखती हैं, यही कारण है कि प्रज्ञा आम जनमानस के बीच इतनी लोकप्रिय है। आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से ये बताकर वायरल की गई थी कि प्रज्ञा को किसी ने बीच सड़क चाकू गोद कर मार डाला है। तब भी प्रज्ञा ने सामने आकर इन खबरों का खंडन किया था। तो मीडिया की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए खबर अड्डा के साथ। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब करें।